तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है इन अ सेंस के अक्सर लोग कहते हैं जी आप ये बड़ी गाड़ियों का बना रहे हैं। मैं बड़ी गाड़ी नहीं बना रहा, मैं तो एक ऐसी गाड़ी का बना रहा हूँ जो कि वैल्यू टू मनी वाइज अगर दूसरी गाड़ियाँ प्रोपोजिशन से बाहर चली गई हैं। ये सीट देखें, ये जो लकड़ी का पैनल है पूरा, ये पता नहीं किस तरह तोड़ा है, यहाँ तो किसी वर्कशॉप में रही है। 3 days later अब हमने डिस्क रोटर चेंज हो रहे हैं और चारों रोटर ठीक है, चारों ब्रेक पैड, 7 सेंसर, इंजन माउंट, गियर माउंट, उसके गियर ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, अपर आर्म, लोअर आर्म, सस्पेंशन तक तमाम जितना भी सस्पेंशन हो गई ना। हाँ जी, कुछ रह ही नहीं गया सस्पेंशन में, रह गया नहीं, कुछ नहीं रह गया। जो पुराना उतारा है ना वो पैक करके, सारा पैक करके गाड़ी की डिग्गी में वापस रख देंगे। टैपेड कवर की सीलें, ये वो सीलें, ये सारा सामान इसका बिल है। ये गियर ऑयल वगैरह वो लड़का साफ कर रहा है, ये शॉक इसका खोला हुआ। और इंजन के जो टैपेड सील लीक थी, जो नीचे से जो ऑयल लीकेज थी वो कैसे सही होगी? नीचे की ऑयल लीकेज ऐसी वैसी थी, वो भी देख लेते हैं। मेन टैपेड कवर की थी, उसकी सीलें नहीं डाल जाएंगे, ठीक है। पूरी गाड़ी वाश करेंगे ऊपर नीचे से, स्टार्ट करेंगे, रोड टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो शाम तक हो जाएगी ना पूरी कोशिश है कि शाम तक कुछ रह जाती है तो फिर अगले दिन पे पूरी कोशिश है। बाकी आपने कहा वो अंदर का जो इंटीरियर वगैरह बाद में देखेंगे, मैकेनिकल। दूसरा, इसकी चाबी क्यों नहीं चल रही? चाबी में इसकी जो सेंटर लॉकिंग पंप है ना, इस मॉडल में इशू है उसका, वो पंप का इशू है। वो भी डिग्गी खोलता हूँ, उसको फिजिकली खोल के देखता है इशू क्या उसको, क्योंकि वो साथ उन्हें दूसरी चाबी बनाई हुई है। हाँ, वो इसलिए बनाई होगी ताकि पंप काम नहीं कर रहा है। महंगा तो पंप नहीं होता, पंप इसका महंगा तकरीबन 2 लाख के करीब पंप है, ब्रांड न्यू जेन्युइन। और यूज़ में रिक्स ये है कि 40 से 50 हज़ार रुपये का मिलता है। वो चले ना चले, एक दिन चले, 2 दिन चले, वो आपका। चाबी भी इसकी नई बनी हुई ना, क्योंकि नई से भी नई वाली है। हाँ जी, बाद में बनी हुई चाबी, बाद में भी बनी और नई बनी हुई है। दूसरा, ये लॉक के ऊपर क्रोम के जो गोले हैं हमारे पास है नहीं, गोले वगैरह नहीं होते। और जिसका एंटीना मिसिंग है वो शायद मिल जाए, वो ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढ लेता हूँ। वो ढूंढे एंटीना, पहले ये मैकेनिकल कर रहे हैं, ये कर लें, गाड़ी नीचे आ जाए, एक रोटेस हो जाए, छोटे छोटे काम। तो अच्छा, कैट का क्या करना है? कैट बनवा के लगाएंगे या उसमें यूज कैट डलवाएं दुबई से मंगवा के पूरे पूरे। एसी का वो देखना था, एसी की हवा आती है लेकिन आवाज़ फिल्टर वगैरह देख लेंगे, फिल्टर चौक है क्या? ज़्यादा चांस फिल्टर ही चौक होंगे, तो वो चेक करें। ठीक है, बेल्ट शेल्ट ठीक है सर? हाँ, बेल्ट ठीक है। मोबाइल भी चेंज करेंगे बाद में, इंजन लास्ट में चेंज करेंगे। कूलेंट्स में ऐड करना वो भी लास्ट में, क्या खुद लेकर आएंगे? कूलेंट में आपको ला दूंगा, मेरा पड़ा। ठीक हो गया। बाकी जो आपने लिस्ट में चीज़ें कही थी, मैंने सारे पार्ट तकरीबन निकल आए थे। पार्ट तो तकरीबन सारे आ गए, कुछ भी नहीं छोड़ा था, सारा कुछ ही मेरे पास पड़ा था। जो रह जाएंगे थोड़ी एक आधी कोई चीज़ निकलती, जैसे कि गियर लिवर पुश वगैरह, आवाज़ तो ऐसी वैसी कोई नहीं थी। अगर खुदा ना निकलती वो भाई जाने का बुश वगैरह, वो इतना ज़्यादा महंगा वगैरह। ये इसका जो क्रोम वगैरह ये मिलेगा? हाँ नहीं, ये नहीं मिलेगा। लॉक पूरा ये क्रोम नहीं आएगा, ये हैंडल पूरा मिलेगा, मिलेगा भी तो ये चीज़ पार्ट पूरा। हाँ, वो चेक कर लेंगे, पड़ा है अपने पास। 1 week later तो मर्सिडीज़ जो है 2005 वाली जो S क्लास थी, उसके हमने जितने कामों की लिस्ट ली थी नईम साहब से, वो सारे हमने करा लिए। सस्पेंशन के पिछले एपिसोड्स में लोग देख चुके हैं कि फ्रंट सस्पेंशन हमने कराई थी। फिर मज़े की बात ये हुई है कि जब अभी मैं आपको वीडियो तस्वीरें भी दे दूँगा, लगा देना साथ स्टोरी, क्योंकि जब चल रही होती है ना तो चलती रहती है। पहले उन्होंने कहा जी 7,84,000 रुपये के सारे पार्ट थे, कोई वो मंगाए, वो सारे मंगा के जब इंस्टॉल हो गए, जब इंस्टॉल हो के वापस आए, मैंने गाड़ी टेस्ट ड्राइव की, गाड़ी फिर वो यूँ ही कर रही थी, जब उसको रेस होना वो पीछे से अजीब सी निकलती थी। तो इमरान भाई को मैंने कहा ले आना जाके, तो वापस आके मुझे कहते हैं वैसे गाड़ी में काम तो जो हुआ है लेकिन वो सारा कुछ तो वैसे ही है। मैंने कहा तो वर्षा वालों को बताना था, मुझे क्यों बता रहे हैं? खैर फिर अगले दिन दोबारा गई, साथ साथ पैरेलल सीटें तैयार हुई, सीटें लग गई हैं, फ्रंट सस्पेंशन हो गया। फिर मैंने उन्हें पिछले सस्पेंशन का बोला, उसके पार्ट नहीं मिल रहे थे, वो फिर यूज़ ढूंढे, क्योंकि वो बकौल उनके कि जी अगली सस्पेंशन तो गाड़ियों में खुलती है, पिछली तो खुलती ही कोई नहीं है, और हमने जो आपको चेक करके बताया था वो भी पिछली का बताया नहीं था, अगली का बताया था। खैर वो करते 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 वो किया, जब पिछली सस्पेंशन पूरी हो गई तो पता लगा कि गाड़ी लेने का जो टाइम था उस टाइम नईम साहब की एक वीडियो आई, जो मैं आपको वीडियो साथ लगा देता हूँ। उन्होंने एक सदमा और दे दिया, उन्होंने कहा जी गाड़ी का सस्पेंशन तो फिट हो गया है, लेकिन जब उसको डाउन किया है तो वो डाउन ही हो गई है, उस सजदे में चली गई, वो पिछला उसका लेफ़्ट शॉक बैठ गया। फिर लेफ़्ट शॉक ढूंढा, वो लगाया। अब वो लगाने के बाद एक और सदमा जो आज सुबह सुबह मिला है, सुबह सुबह नईम भाई ने बिल भेजा है, अब तक का बिल, जो मेरे ख्याल से मैंने जब लास्ट टाइम भी हमने वीडियो में बताया था कि उनसे लेबर शेबर का हम तय कर लेंगे, 50,000 में काम हो जाएगा। अभी उन्होंने जो बिल भेजा है वो 2 लाख समथिंग का है, उसमें पता नहीं शॉक है तो पिछला है तो पता नहीं क्या क्या है। वो तो खैर अब अपनी जगह चल रहा है, एक दुख चली जा रहा है, अगला दुख, पहला दुख ख़त्म होता है अगला आ जाता है। अब हमने जो इसके फाइनल जो प्रोसेस उस पर दिया हुआ था पेंट के लिए मजीद को, लेकिन जिस दिन से पेंट शुरू हुआ है माशाल्लाह रोज़ शाम को बारिश होती है, रोज़ शाम को जो है ना कोई परेशानी ज़रूर आ जाती है, तो इस वजह से अभी तक वो पेंट जो है वो भी रुका हुआ है। तो अब चल के देखते हैं मजीद साहब ने पेंट का क्या किया है। वो यार वो देखो, दिखाओ दिखाओ। ओए होए 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 होए, मैं कहता हूँ कि यार मतलब उठा के रख दी है। ब्यूटीफुल। पेंट चेक करें सर, नया पेंट लग चुका है, नया पेंट लग चुका है सर, नया पेंट लग चुका है। तो मुझे साहब इसका क्या करना है? ये जो है इसका वजन ये होगा, यहाँ से ये कटिंग होके ये ऐसे गुलाई इसकी ये बनेगी, यहाँ से ये भी गुलाई होगी, ये प्रॉपर तौर पे ना सिलिकॉन से। ये किसने करना है? ये हमारे वो शिबाला साहब, शिबाला साहब आसिफ डेंटर है और माशाल्लाह अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो आए नहीं होंगे 4 दिन से। कब से आप बुला रहे हैं उसको? सर उसको सुबह कहा था मैंने। अच्छा। वो कहता है मैं लगाऊंगा चक्कर, फारिग हो गया, वो अभी तक आए नहीं है। बंद भी नहीं होती? होती क्यों नहीं होती, आपसे होती नहीं है, हो नहीं पा रहा। अच्छा जी, ये पेंट हो गया, अगले पिछले बम्पर पेंट हो गए, वजन हो गए हैं। हाँ जी, पट्टियां लगी, ये दरवाजे के नीचे था, ये हो गया, ये वाला हो गया भाई, नीचे वाली पट्टी ठीक है, भी गोला हो गया सही है। अगला बम्पर हो गया, ये अगला बम्पर भी हो गया। अभी इसका अगला स्टेप, सो जो वुडन ट्रिम थी वो जो यहाँ पे थी वो उतर के कराची पहुँच गई है, वो कर रहे हैं। मैं अपने बल्कि फ़ोन में दिखा भी देता हूँ, वसीफ भाई ने जो भेजी हुई है इसका। सर ये 2 बटन पेंट होने हैं, एक उसका दरवाजा डार्क ग्रे और ये भी डार्क ग्रे। हाँ, और एक वो SRS जो सा हुआ है, बाकी हम APC लेके साफ कर लेंगे। हाँ जी, सिर्फ एक ये ग्रिल रह गई, ये अब ढूंढनी है आपने। एक हमें वार्निंग ट्रायंगल नहीं लेनी है मर्सिडीज़ की, ये कहाँ से मिलेगी? ये भी कोई पुरानी गाड़ी का देखेंगे, जो कन्वर्जन कर रहे हैं, इनकी 2-2 गाड़ियाँ आती हैं, उनके पास होगा ना? उनके पास होंगे, वो ले लेते हैं। इसको तो पेंट मारने की जरूरत नहीं, जो स्प्रे ये सारे सर्विस होगा ना, जब गाड़ी सर्विस होगी तो ऑयल वगैरह लगेगा और ओके हो जाएगी। अच्छा, एक ये नीचे इसके वो जो था उसका भी करना है कुछ। इसका आप वो जो कह रहे थे नीचे डेंट पड़ा है, नीचे से डेंट दिखाए हैं वाली। इसको वैसे ज़रूरत नहीं है इतना वो करने की, हमारे हमने इंस्पेक्शन कराई थी, पूरी गाड़ी जेन्युइन थी। पीछे ये अगर आप ये कह लेंगे ना, अगर आप इसको डेंटिंग करा लेते हैं तो वो ऐसा लगेगा कि वाकई लगी थी। ऐसे तो ये है ना कि किसी चीज़ के ऊपर चढ़ी है या वो है, अगर आपकी में दम है, हथौड़ी ठप्पा लग जाता है तो फिर डेंटिंग हो। अच्छा, अब इसका अगला स्टेप, इसका क्या है? क्या इसका बाकी कंपाउंड पॉलिश है, इंटीरियर करके बाकी कंपाउंड पॉलिश। कंपाउंड पॉलिश में कितना टाइम लगेगा? कल हो जाएगी, ये होगी परसों। और इंटीरियर? इंटीरियर वो डिटेलिंग नहीं, ये जो पेंट इंटीरियर लगी हो जाएगा, ये कल हो जाएगा। गाड़ी की लुक पूरी नहीं निकल आई है अभी, लाइटों पे उसने वो लगाए हुए कपड़े ताकि नजर ना आए। लाइटें भी साफ हो गई ना, पिछली लाइट टूटी हुई याद है, वो भी रिपेयर हो गई। यार मर्सिडीज़ के प्रोजेक्ट में मैं अंदाजन लगा रहा हूँ दिन हमें कितने लग गए हैं, तो अभी जहाँ तक मुझे इतना याद पड़ता है, ये पहले दिन ये गाड़ी जब आई थी ना, उससे लेके अब तक इसके अंदर तकरीबन 2 हफ्ते पूरे नहीं हुए। तो अब इसका सिर्फ जो काम रह गया ये सफाई शफाई होगी, उसके बाद इसका AC जो है ना उसकी एक दफ़ा सर्विस होगी एंड ऑयल चेंज होगा, देन इट्स गुड टू गो। रिम टायर चेंज हो गए, सस्पेंशन ब्रांड न्यू हो गई, लाइटें साफ़ हो गई, इंटीरियर पूरा ब्रांड न्यू बन गया, पेंट का काम हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि अब इस गाड़ी में कोई चीज़ रह गई है, बाद में अगर कोई चलते चलते मसाइल आएंगे वो बाद में देख लेंगे। अच्छा जी इमरान भी सर, टेस्ट ड्राइव लेने के लिए निकल रहे हैं जी मैडम। इसको लेके जाना है, इसका आखिरी एक काम है कैट का। कैट? कौन सी कैट? कैट होती है कैटालिटिक कन्वर्टर। अच्छा। उसके अंदर जो है ना वो कुछ टाइटेनियम और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो होती हैं, बना के ना भरी होती हैं। तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं कि उसके अंदर वो जो केमिकल्स भरे होते हैं ना वो निकाल लेते हैं, निकाल के उसको फिर महंगे दाम बेच देते हैं। तो खाली टीन जो है ना उसको खाली टीन रहने देते हैं, तो वो इसके अंदर से भी जो है ना वो निकली हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से जो है ना वो क्या नाम है उसके, क्वींस रोड, वहाँ पे काफ़ी सिलेंसर्स वाले हैं, वहाँ पे एक साहब से बात हुई है हमारी, वो जो है ना उन्होंने अरेंज किए हैं इसके कैट। सही है, दोनों कैट नहीं डालेंगे और उसके बाद ये गाड़ी जो है हर तरह से रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बस सिर्फ ये इसकी जो कॉस्मेटिकली काम जो है हुई है तो वो अपडेट इसकी कल या परसों में वो भी हो जाएगी कॉस्मेटिक्स की। सही है, फिर ये गाड़ी रेडी है इंशाल्लाह ताला, फिर इसको अल्लाह खैर करे भेजेंगे हम डिटेलिंग के लिए, डिटेलिंग फाइनल डिटेलिंग के लिए। सही है, और बस जी। तो जी हम लोग यहाँ पे आ गए जी इमरान भाई, ये भाई कैट लगाने आ गए जी। वजन बताइएगा, ये कैटालिटिक जो है जाली टाइप है, ये यूरो लगी है। अच्छा, सही 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 सही। इसके अंदर नहीं है अभी इस टाइम पे, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। ये बिल्कुल खाली है, काट के निकाला भाई। ये देखिए टांके लगाए हुए हैं और ये काट के निकाला हुआ है। सही सही सही। तो ये होता है क्या बेसिकली? इसराइलिश होती है कैटालिटिक कन्वर्टर इसको बोलते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को फ्रेंडली गैसेज में कन्वर्ट करना होता है। सही है, इससे गाड़ी का साउंड भी अच्छा होगा, इससे गाड़ी का साउंड भी अच्छा होगा, गाड़ी की कंजम्पशन भी बेहतर होगी और मुबजर असरात जो है ना धुएं को वो ज़ाहिल करती है। सही है। तो ये सुनने में आता है बड़ा महंगा होता है ये। हाँ जी, ये आलूदगी ख़त्म करती है जी। सही है। बेसिक इसका मेन फंक्शन है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस को फ्रेंडली गैसेज में कन्वर्ट करना। तो ये कितना टाइम लगेगा फिट करने में? ये तकरीबन आपका 1.5 से 2 घंटे लगेगा। सही है, तो बिल्कुल फिर सेट हो जाएगा, आवाज़ वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपके सामने करके भी। सही है। 3 hours later जी इमरान भी गाड़ी होगी फिर? सही गाड़ी जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, और हम आ गए वापस ऑफिस। The next day S क्लास का जो प्रोजेक्ट था जो हमने शुरू किया था तकरीबन 15-20 दिन हो गए थे, उसका आखिरी स्टेप है। और उसकी जो लकड़ी की स्टिप अगर आपको याद है वो टूटी हुई थी, वो कराची से तैयार होकर आई है। और एक दरवाजे का सैंपल गया था तो वो मजीद फिट करने लगा है। ये मजीद देख रहा है ये ब्रो, यस ब्रो, ये पेंट हो जाएगा ना, बड़ा फिक्स इधर से मैं लगाता हूँ। फिक्स क्या मतलब, ऑब्वियसली जहाँ पूरा उनका फिक्स हुआ है। गाड़ी की कॉस्मेटिक्स की मैं कहता हूँ चांद हुआ था, अगर आपको याद हो ये टूटा हुआ था। जी जी बिल्कुल, फिर उसी को हमने रिपेयर करवाया। उसी को कराची से जो है ना हमारे दोस्त हैं, उनकी कंपनी उन्होंने करके भेजा है। यार मजीद इसको ना हमने लगाना है, इसको मेरा ख्याल है सिलिकॉन से लगाने पड़ेंगे वरना बार 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 आए थे है ना। पूरी गाड़ी की जो इसके बम्पर पेंट हुए थे, इसकी ये ख़राब थी, यहाँ से साइडों पे गाड़ी लशपश हो गई है। यस हो गई गाड़ी। इसके जो पूरी गाड़ी को कंपाउंड पॉलिश किया गया, तो इसकी ओवरऑल लुक आपके सामने है। आप देख रहे होंगे कितनी अब खूबसूरत हो गई है, पहले जब आई थी तो बड़ी परेशानी कौन सूरत हाल थी। अभी भी इसमें कई जगह वेव्स ही हैं, आगे फेंडरों में डेंट थे वो ड्राई डेंट निकले, कई ऐसी जगह पे अभी ड्राई डेंट मौजूद हैं जो कि मेरा ख्याल है अगर उसको निकालेंगे तो वही पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन नहीं रहेगी। खैर ये काफ़ी लंबी स्टोरी करते 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 40-45 दिन बाद अब ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुई है गाड़ी की। सो अब इसके एक्सटीरियर में सारा कुछ कंप्लीट है। येस व्हील्स मैंने मेरे पास वो S500 वाली जो थी हमने जो रमज़ान में की है, आपने पहले दिनों उसकी सीरीज़ भी देखी थी, उसके ओरिजिनल व्हील्स पड़े थे, उसमें नए टायर थे तो वो मैंने इस पर लगा दिए, इसके 19 वाले उतार दिए। गाड़ी की ड्राइव ठीक होगी, बेहतरीन होगी, सस्पेंशन ब्रांड न्यू होगा, फ्रंट रियर सारा कुछ बेहतरीन हो गया, अगला पिछला बम्पर साइड स्कर्ट मजीद साहब की मेहरबानी उन्होंने टाइम पे पेंट कर दिया। अब इसका पीछे एक एंटीना मिसिंग है, वो हमारे PakWheels के मेंबर है सलमान दुबई में, उनकी मेहरबानी उन्होंने वहाँ से सोर्स किया है, अभी उन्होंने मुझे कोरियर भी कर दिया है, उन्होंने तो रसीद भेज दी है, 3-4 दिन में वो आ जाएगा। कोई इतना महंगा नहीं था, चाइनीज़ कॉपी थी बिकॉज उसका जो मैकेनिज़म है वो मौजूद है, सिर्फ ऊपर का कवर जो है वो नहीं था। इंटीरियर में अभी जो वुडन पैनल है उसके अंदर चांसेस हैं उसको बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर जो अभी इसका हेड यूनिट लगा हुआ वो भी पहले ख़राब था, रिवर्स कैमरा नहीं लगा हुआ था वो लगाया, हेड यूनिट जो है उसको फिक्स कराया। हेड यूनिट के ऊपर आप एक पट्टी देख रहे हैं जो कि अगेन वुडन बाद में लगी हुई है, चाइनीज़ है, तो इसका और गाड़ी का जो शेड है वो थोड़ा फ़र्क है। एक जो काम रह गया वो इसकी जो गाड़ी की चाबी से लॉक अनलॉक जो है ना, वो गाड़ी के जो अगर आप ऐसे देखेंगे तो अनलॉक जो है अगर उसको आप करते हैं तो ये गाड़ी पहचानती है कि मेरी चाबी है, लेकिन इसके लॉक्स जो है वो नहीं काम कर रहे। और इसकी जो मोटर होती है वो सक्शन मोटर होती है, बड़ी हैवी ड्यूटी होती है, वो 1.5-2 लाख रुपए की मोटर है, तो वो अभी मैं नहीं डाल रहा, मैं चाबी से काम चला रहा हूँ। बाहर से उसको सोर्स कर लेंगे तो मेरा ख्याल है सस्ती मिल जाएगी। इसके अलावा इसका जो AC है वो चल रहा है, ठंडा कर रहा है, बट उसकी थ्रो इतनी ऑप्टिमल नहीं है जितनी होनी चाहिए। ओवरऑल मेरी इस रिस्टोरेशन के बाद 2-3 जो है ना गिव टेक पॉइंट्स हैं। मेरा तकरीबन इस गाड़ी के ऊपर लेने के बाद 12 से 15 लाख रुपए लग चुका है, फिर भी जितने ऐड PakWheels पे लगे हुए हैं अगर मैंने जितने की ली थी उसके ऊपर अपने 12-15 लाख रुपए डाल दूं और अब जिस हालत में ये गाड़ी है, मैं ये अनडाउटली कहता हूँ, आप वोट भी कर सकते हैं कि जितनी गाड़ियाँ लगी हैं उन सबसे बेहतर सूरत हाल में बेहतरीन गाड़ी है, हर काम हो चुका है। ठीक है जी, छोटे मोटे काम जो मैंने आपको बताया, इसकी फेंडर शील्ड नहीं मिल रही, नीचे इंजन के कवर शील्ड है वो नहीं मिल रही। और जो चीज़ मुझे पता लगी इस रिस्टोरेशन से कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनका सामान मिलना मुश्किल है, ख़ासतौर पर ये W220 इसको बोलते हैं, 2005 तक आई है। और यही रीज़न है कि हमें इस प्रोजेक्ट के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा ख्वार होना पड़ा है। और वो मुझे बात समझ आई जब मैं किसी के पास जाता हूँ कहते हैं जी बहुत पुराना मॉडल है, उनका मतलब ये था कि जो रीसेंट मॉडल है ना उनके पार्ट्स बड़े ईजीली अवेलेबल थे, यूज़ में भी न्यू में भी, बिकॉज उनकी क्वान्टिटी ज़्यादा है। इसलिए अगर आप रिस्टोरेशन के लिए जा रहे हैं और इस तरह की गाड़ी के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर यहाँ तो आपके पास बाहर का कोई अच्छा रिसोर्स हो जो आपको चीज़ें भेज दे, दूसरा सबर का पैमाना लबरेज ना हो, तीसरा आपके पास टाइम लिमिट ना हो। बट अगेन एक तैयार प्रोडक्ट जो कि मेरे ख्याल से आपको 55 से 60 लाख के अंदर मिल रही है, 2005 मॉडल की मर्सिडीज़ 3500 cc V6, इतने पैसों में आपको मेरा नहीं ख्याल कोई और ऐसी गाड़ी मिलेगी जो इस क्लास की गाड़ी होगी। बट येस इस पर थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा सब्र लगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगेन आप वीडियो में देख के बताएंगे कि आपको फाइनल प्रोडक्ट और आउटलुक कैसी लगी। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर रहा करें, हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए रिस्टोरेशन प्रोडक्ट में सारी ऐसी प्रोडक्ट लेके आएँ, पुरानी नई छोटी बड़ी, ताकि आपको पता लगे कि गाड़ी को रिस्टोर करने के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, सब्र कितना लगता है, टाइम कितना लगता है और ख्वारी कितनी होती है। ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगले रिस्टोरेशन सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।